हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रियली होप आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह शुरुआत करने जा रही हूँ मैं एक कप चाय के साथ, क्योंकि जब तक मैं चाय ना पीऊँ तो मेरा सुबह का शुरुआत होता ही नहीं है। और मुझे वीडियो में चाय देखना भी पसंद है और अपने ब्लॉग में चाय लेकर आना भी पसंद है। तो बताइएगा जो जो चाय लवर हैं कि किस किस को पसंद है चाय देखना। सो चलिए, मैं अपना ब्लॉग को आज सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग में शुरू से अंत तक बने रहिए और हो सके तो मेरे वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, ताकि आपको पसंद आए कि मेरा ब्लॉग कैसा है। तैयार हो चुकी हूँ और जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि बच्चों को बुक लाना है। तो मैं स्कूल जा रही हूँ और स्कूल से आने के बाद आप सभी से मिलूँ। पुपलू क्या खा रही हो तू? जल्दी जल्दी बंदे के पत्ते खा रहा है पुपलू, बहुत टेस्टी लग रहा है ना, बहुत टेस्टी लग रहा है पुपलू को। बने देखो देखो देखो, इधर भी देखो, ज़्यादा मत खाओ, इधर भी देखा करो बने। तो ये इसका टेस्टी फूड है, गाजर के साथ साथ ये कैबेज भी खाता है। तो अब चले अपना काम करने, बाय बाय गुप्लू। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना ज़रूर इसे आप लोग किस नाम से जानते हो। बिहार में इसे तो सजन कहते हैं, बट हर जगह पे इसका नाम अलग अलग हो सकता है। तो चलिए, इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है, जिसको नहीं पसंद है उसे भी खाना चाहिए, क्योंकि सजन में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, आयरन वगैरह होते हैं। तो इसे खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे है। तो देखिए, मैं इस ढंग से इसे बनाई हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ इसे इसी तरह से बनाया जाता है। हर लोग अलग अलग रेसिपी से बनाते हैं, बट हम लोग सरसों और ये लहसुन का पेस्ट से ही इसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें देसी मसाले ऐड करेंगे तो टेस्टी बनेंगे ये। और चलिए, मैं दिखाती हूँ आप सभी को। तो मेरा यहाँ पे सब्जी में पानी डल चुका है, कुछ देर ये उबाल आएंगे, उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। और फ्रेंड्स, आज यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ बच्चे के लिए पंचफड़ी। तो सबसे अच्छा मुझे होता है ना झंझट ना पटपट, उससे अच्छा है कि आप मार्केट से जाओ, चिप्स खरीद के लाओ और उसे बना लो, क्योंकि जब आप उसे पूरी बनाते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा ही वेस्ट होते हैं। इसीलिए मुझे ये चिप्स वाला ही गुपचुप पसंद है। तो आज मैं बच्चे के लिए गुपचुप बना रही हूँ, और इधर पानी वगैरह मैं इधर बना के रख चुकी हूँ। और फिर इसके लिए भरवन के लिए मैं आलू को बॉइल कर चुकी थी, और उसे भी मैं अच्छे से बना दूँ
इसके बाद चलते हैं खाने, तो सब मिलके खाएंगे और फिर मैं अगले ब्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे ही ब्लॉग आप सभी के साथ अपडेट करूँ, क्योंकि छोटे ब्लॉग बनाने में ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं अपना वीडियो को यहीं पे आज अंत करने जा रही हूँ, दूसरे नए वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट डे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।